अरे शम्मा जलती है परवाने चले आते हैं, और मेरे काउंटर पे तो आप जैसे दीवाने चले आते हैं। हमने दिवंडर कार्निवल की टिकट ले ली है। स्माइल करो, ये आ गई हमारी भेलपूरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ते परिंदे। सो आज आ गए हम 34 फेयर देखने के लिए। सो गाइस, ये है टिकट जो कि 30 रुपीस के, यहाँ पे आगे चेक करेंगे। 3 टिकट्स है भैया। कि मनु कायरा को लेके गए हैं राइड के लिए, जो कि कायरा के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी, अभी तो फिलहाल ये दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मैं आगे अभी और भी एक्टिविटीज़ इन दोनों की दिखाऊंगी आपको। सो गाइस, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है, बट छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे बोटिंग कर रहे हैं ये सब बड़े बच्चे हैं, और कायरा इसके लिए काफ़ी छोटी थी तो ये राइड इसने नहीं ली। और अब आगे चलते हैं, और सामने ये बेबी देखिए कितना अच्छा जंप कर रहा है, हाई जंप, आई डोंट नो उसे पता नहीं क्या कहते हैं, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अपना बचपन याद आता है मेला देख कर, ऐसा फेयर देख कर। सो गाइस, कायरा यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रही है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा उसको देखकर, क्योंकि वो बहुत खुश थी। सो सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ ज़रूर आए, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि आपके बच्चे यहाँ आके इंजॉय कर सकें। तो गाइस, अब आ चुके हैं हम खाने पीने की जगह, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी। जैसे सबसे पहले हमें अचार दिखे, तो अचार के यहाँ काफ़ी ऑप्शन हैं, आंवला अचार, आम का अचार, और ये भैया हमें कुछ वैरायटीज़ बता रहे थे अचार की। तो मैंने तो यहाँ से सिर्फ आम का अचार लिया, जो कि काफ़ी टेस्टी था, जो मैंने टेस्ट भी किया था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अगर आप फूड से रिलेटेड हो या कुछ मीठा आप लेना चाहते हैं, घर के लिए कोई सामान आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। सो अब हम आए हैं आइसक्रीम सेक्शन में, जो कि कायरा का सबसे फेवरेट सेक्शन है। कायरा बताओ कैसी है? यम्मी? सो गाइस, अब आ गया हमारा फन टाइम, जिसमें हमने शूटिंग करी, मैंने और मम्मा ने दोनों ने किया, बट काफ़ी अच्छा लगा। ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा और मम्मा का, तो मम्मा भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, शूट कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, वो भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी और खुश थी। सो गाइस, आ गया हमारे सबसे बेस्ट पार्ट, फूड, जिसके लिए तो बस पूछिए मत, मुँह में पानी आ जाता है। तो मैंने जो यहाँ पर फूड देखे वो अलग अलग स्टेट के थे, जहाँ पर राजस्थानी फूड था और कहीं पर तो गुजराती फूड था, बट यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप फूडी हैं, तो आपको हर स्टेट का यहाँ फूड मिलेगा। जैसे ये नान खटाई है, नान खटाई तो आप जानते ही होंगे ये कितना फेमस है। सामने भैया है जो कि काफ़ी अच्छे स्टॉल्स में लगे हुए थे, ये नान खटाई जो कि इसकी मेकिंग भी यहाँ देखी गई थी, जो कि कोयले के ऊपर बनती है और नीचे इसकी सेक लगती है। सो गाइस, लेके चलते हैं आपको डिफरेंट स्टॉल पर, और डिफरेंट टाइप के फूड मैं तो एंजॉय करने वाली हूँ, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। We'll be right back.
वाला पान, ये गोरो एक काला पान खाएगा आइसक्रीम वाला। परवाने चले आते हैं और मेरे काउंटर पे तो आप जैसे दीवाने चले आते हैं। क्या कहा, पान के अंदर लगा दी मोहब्बत की चाशनी और पान खाने जाएंगे आज के इमरान हाशमी। शटर बंद करो। कार्निवल, द वंडर कार्निवल। तो ये देखिए, ये हमने द वंडर कार्निवल की टिकट ले ली है। तो ये रही टिकट्स, का है टिकट दिखाओ। और यहाँ मजा आने वाला है कि काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, देखिए क्या अलग है यहाँ पर। हमारी एंट्री हो रही है यहाँ पर, तो एंट्री करते हैं। तो ये है स्टेयर्स, यहाँ से जाएंगे ऊपर। तो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ये फेयर भी अच्छा लगा होगा। हमने बहुत कोशिश की कि हम बहुत सारी चीज़ें दिखाएं आपको और शायद अच्छी भी होंगी। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।